हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। और यूनिट फर्स्ट में अभी ये हमारा बहुत ही लॉन्ग लेक्चर होगा, आगे भी हमारे कुछ लॉन्ग लेक्चर्स जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिटेल्स में हैं और हमें इसे पूरे ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जनरली हमारे एग्ज़ाम्स में, सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में कुछ पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। सो इस लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो हैं डायरेक्टली बन जाते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स में क्या है कि कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन होंगी जो कि अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड होंगी, यानी हमने कितने सारे ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अब उन्हें किस तरह से अरेंज करके रखा गया है ताकि हम उन्हें ईजिली फाइंड आउट कर सकें। तो उस तरह से क्लासिफिकेशन है। कुछ केमिकल्स के बेसिस पे हैं, कुछ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, तो वो हम आगे लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ द ड्रग्स आर हायर प्लांट। जैसा कि हम जानते हैं जो नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग का मेन सोर्स जो है, सबसे ज़्यादा जो सोर्स है वो हमारे हैं प्लांट्स। उसके बाद आते हैं माइक्रोब्स, एनिमल्स एंड द मैराइन ऑर्गेनिज्म। अ मैथड ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी। अब देखते हैं हम जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे होना है, और मतलब उसमें क्लासिफिकेशन, जब भी हम क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें माइंड में रख के हमें क्लासिफिकेशन करनी है। जैसे कि पहले तो जो भी क्लासिफिकेशन हम करें वो सिंपल मेथड होना चाहिए ताकि हम ईजिली फाइंड आउट कर सकें। कोई भी क्रूड ड्रग अगर हमें उसकी स्टडी करनी है तो हमें ये हो कि हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ईजिली उसमें ऐसे सिंपल वे में क्लासिफिकेशन करें। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू यूज़, यानी कि हम ईजिली यूज़ कर सकें उस क्लासिफिकेशन का। फ्री फ्रॉम द कन्फ्यूज़न एंड द एम्बिग्विटीज, यानी कि वहाँ पे किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये इसका सोर्स क्या है, बाकी चीज़ें हमें नोटिस करनी है। ओके, बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ईच अरेंजमेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन हैज़ इट्स ऑन मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स। अब इतने सारे क्रूड ड्रग्स हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा वाइड है, यानी बहुत ही डिफरेंट प्लेसेस से फाइंड आउट किए गए हैं, डिफरेंट मैथड्स से उसे फाइंड आउट किया गया है। तो हर क्लासिफिकेशन के कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ डीमेरिट्स होंगे, लेकिन हमें फिर भी ऐसा मैथड चूज़ करना है जो कि हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो फाइंड आउट करने में, किसी भी क्रूड ड्रग की स्टडी करनी है तो इसलिए हमें ये स्टडी करना है। पहले हम देखेंगे कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, उसके बाद हम देखेंगे सबसे कन्वीनियंस मेथड क्या है। वैसे तो हर मेथड के अपने अपने कुछ मेरिट्स, डिमेरिट्स हैं। फर्स्ट देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि क्रूड ड्रग्स को किसके बेस पे क्लासीफाई किया गया है, अल्फ़ाबेटिकली। ओके, Crude drugs are arranged in alphabetical order of their Latin and the English name, और मतलब कि उन्हें लेटिन और उनके इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज किया गया है अल्फ़ाबेटिकली, और समटाइम्स लोकल लैंग्वेज से भी उन्हें बुलाया जाता है। ओके, जिसे हम वर्नाकुलर नेम्स भी कहते हैं। सम ऑफ द फार्माकोपियाज, जैसे कि कुछ हमारी फार्माकोपियाज हैं, कुछ हमारे डिक्शनरीज हैं, कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, विच क्लासीफाई द क्रूड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आर एज फॉलोज। यानी कि कुछ ऐसे फार्माकोपिया हैं, डिक्शनरीज हैं, रेफरेंस बुक हैं जिसमें उन्होंने क्रूड ड्रग्स को किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया है, उनके अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल यानी कि ए पहले, ए जो भी ए से हमारे ड्रग्स स्टार्ट हो रहे हैं, ए नेमिंग से उन्हें पहले रखा गया है, फिर बी वाले, फिर सी वाले, तो इस तरह से उन्हें अरेंज किया गया है अल्फ़ाबेटिकली। जैसे कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया, ये भी अल्फ़ाबेटिकल क्लासीफिकेशन के बेस पे क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद है ब्रिटिश फार्माकोपिया, हमारी जितनी भी फार्माकोपिया हो गई, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया, तो ये हमारे कुछ फार्माकोपिया बुक है जो कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन करती हैं क्रूड ड्रग्स का। ओके, मेरिट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज, इट इज़ ईजी एंड द क्विक टू यूज़, ये हमारे लिए बहुत ही ईजी है और हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मतलब कि जब भी हम फार्माकोपिया को लेते हैं तो अगर हमें किसी ड्रग का नाम पता है, जैसे कि मैंने बोल दिया, जैसे कि अश्वगंधा, अश्वगंधा ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है यानी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम ए वाले जितने भी ड्रग्स होंगे उसमें देख लेंगे। ओके, तो इस तरह से ये ईजी भी है और क्विक है, मतलब फास्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ द एंट्रीज एंड इज़ डिवॉइड ऑफ कन्फ्यूज़न, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न भी नहीं हो सकता और ना ही किसी ड्रग की दोबारा रिपीटेशन होगी नेमिंग में। यानी पहले हमने अगर ए वाले को रख दिया तो वो ए वाले उसी में रहेंगे, बी वाले भी उसमें आएंगे लाइनिंग में। तो इस तरह से यहाँ पर किसी भी तरह की रिपीटेशन ऑफ द एंट्रीज नहीं होगी, यानी एंट्री रिपीट नहीं होगी। इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ ड्रग एंट्रीज इज़ ईजी, यानी कि हमें उसका लोकेशन ट्रेसिंग एडिशन ऑफ द ड्रग एंट्रीज, मतलब कि हम उसमें अगर न्यू ड्रग आता है तो उसमें ऐड भी कर दें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यानी कि ए वाले को ए में रख दिया जाएगा, अगर कोई नई मेडिसिन मिलती है ए नाम से तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ईजिली उस लिस्ट में फिर से उसे ऐड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो ए से ही स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब इसके डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस एंड द सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह का रिलेशन नहीं पता चलेगा कि ये ड्रग कब आया और कहाँ से आया। ओके, सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज का पता नहीं चलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ लिस्ट हैं ड्रग की जो कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किए गए हैं, जैसे अकेसिया, बी से बेंजोइन, सी से सिंकोना, डी से डेल, ई से एरगोड, ओके, एफ से फैनल, जेंटियर, उसके बाद हायोसियमस, इपेकुना, जलब, कुर्ची, लिक्वोराइस, मिंट्स, पुदीना, नक्स बोमिका, एन, ओ से ओपियम, पी से पोडोफाइलम, क्यू से क्वासिया, आर से रावोल्फिया, सेना, वेसिका, वोल फैट, ओके, येलो बीस, बीस वैक्स, जियोड्री। तो ये कुछ ऐसे हमारे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग्स के। ये सारे हमारे जितने भी थे अभी, ये सारे हमारे क्या थे, क्रूड ड्रग्स थे। अब देखते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, ऑल द प्लांट्स पॉजेस डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल, केमिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल एंड द जेनेटिक। हर प्लांट्स के पास अपनी एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, ओके, एम्ब्रियोलॉजिकल, वो उसका जो फ्रूटिंग पैटर्न है वो कैसा है, सीरोलॉजिकल यानी कि उसकी सीरो केमिस्ट्री कैसी है, जेनेटिक्स लेवल क्या है, जेनेटिक, हर चीज़ में डिफरेंस होगा। तो उसके बेस पे हमने क्या किया, ड्रग्स को क्लासीफाई किया। इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, यानी किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द स्पीसीज। ये कुछ हमारे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं ड्रग्स के। जैसे कि क्लास, अगर हम क्लास की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ क्लास होते हैं प्लांट्स के। जैसे फर्स्ट हो गई है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मी क्या है, आर द प्लांट दैट प्रोड्यूस द फ्लावर। पहले हमने क्लासिफाई कर दिया प्लांट्स को 2 भाग में, जो कि हमारे एंजियोस्पर्म हो गए और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि वो फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या है, डोंट प्रोड्यूस द फ्लावर, वो फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने बेसिक क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद हम आएंगे सब क्लास। सब क्लास यहाँ पे क्या होगा, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सेशन आएगी क्लासिफिकेशन में। इसमें क्या होगा, डाइकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स आर द प्लांट विद 2 शीड्स, यानी कि फिर हमने उसके सीड्स के बेस पे क्लासीफाई किया। कुछ होते हैं हमारे डाइकोटिलेडन्स, यानी 2 हमारे ऐसे सीड्स को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो 2 लीफ में ब्रेक होगा। लेकिन मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं, विथ 1 सीड लीफ, उनके पास 1 सीड लीफ होता है। जैसे कि हमारा हो गया, अगर हम चना देखें तो वो क्या है, वो एक डाइकोटिलेडन फैमिली से बिलोंग करेगा। ओके, लेकिन हमारा जो मोनोकोटिलेडन में क्या है, जैसे कि हमारा गेहूँ हो गया, राइस हो गया, ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे मोनोकोटिलेडन्स। ये 2 क्लास हो गई। अब देखते हैं सुपर ऑर्डर। सुपर ऑर्डर यानी जस्ट बिलो किसके आएगा, वो सब क्लास के। सब क्लास से नीचे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्लांट फैमिलीज क्लासिफाइड इन ऑर्डर इन द ऑर्डर इन विच दे आर थॉट टू हैव डेवलप देयर डिफरेंसेस फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि अब यहाँ पर सुपर ऑर्डर में क्या है, एक ग्रुप ऑफ फैमिली को क्लासीफाई किया गया है जो कि सेम एंसेस्टर से आई हैं। यानी कि फैमिली का, प्लांट्स का एक ऐसा ग्रुप होगा जो कि उनके जो एंसेस्टर होंगे वो सेम होंगे। देयर आर 6 सुपर ऑर्डर्स। अब 6 सुपर ऑर्डर हो गए, जैसे कि डाइकोटिलेडन, ओके, मैंगो, ये क्या है, मैग्नोलिडिया, हीमोलिडिया, कैरियोफाइलिडी, और ये है हमारे डेलिनिडी, रोजिडिडी, एस्टेरिडिडी। ये क्या है, ये कॉमन फैमिली है जो कि बिलोंग करती है सेम एंसेस्टर से, जैसे कि डाइकोटिलेडन से। उसके बाद हमारे फोर सुपर ऑर्डर हो गए मोनोकोटिलेडन्स में, जैसे कि एलिसमेस्टिडी, कमेलिडी, एरेसिडी, लिलिडी। यानी कि यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि सुपर ऑर्डर की भी कुछ फैमिली का ग्रुप बना दिया जाता है जो कि सेम एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के हो गए, डाइकोटिलेडन्स में भी सुपर ऑर्डर 4 हो गए, ओके, और इसमें भी क्या हो गया, मोनोकोटिलेडन्स में। द नेम्स ऑफ द सुपर ऑर्डर्स एंड इन आईडी, यानी कि जो सुपर ऑर्डर वाले हमारे प्लांट्स होंगे उनका उनकी नेमिंग का जो एंडिंग होगा वो IDAE से होगा, ओके। ऑर्डर, उसके बाद हम सुपर ऑर्डर से ऑर्डर पे आएंगे। ईच सुपर ऑर्डर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल ऑर्डर, यानी कि हर सुपर ऑर्डर किस में डिवाइड है, सेवरल अदर ऑर्डर्स में, जैसे कि नेम्स ऑफ द ऑर्डर्स एंड विद द एज, यानी कि ऑर्डर का जो नेमिंग वर्ड होगा वो किससे एंड होगा, एज से, ओके। अब देखते हैं फैमिली। फैमिली में क्या है, ईच ऑर्डर इज़ डिवाइडेड इनटू फैमिलीज़। अब हमने हर ऑर्डर को क्या किया, एक फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिया। दीज आर द प्लांट्स विथ मैनी बॉटेनिकल फीचर्स इन कॉमन एंड आर द हाइएस्ट क्लासिफिकेशन नॉर्मली यूज। और ये प्लांट्स क्या हैं, मतलब कि इनके बॉटेनिकल फीचर्स जो होंगे वो कॉमन होंगे, इसी वजह से क्या कर दिया हमने, एक इनकी फैमिली बना दी जो कि अंडर द किसके आती है, ऑर्डर की, ओके। द हाइएस्ट, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला क्लासिफिकेशन है। द नंबर ऑफ द प्लांट फैमिलीज वेरीज अकॉर्डिंग टू द बोटेनिस्ट। अब यहाँ पे प्लांट की फैमिली जो है वो डिपेंड करेंगी अलग अलग बोटेनिस्ट पे, मतलब थोड़ी सी वेरिएशन आएंगी, अलग अलग बोटेनिस्ट ने अपना अपना कंक्लूजन दिया है, जैसे कि सम बोटेनिस्ट रिकॉग्नाइज ओनली 150 और सो फैमिलीज प्रिफरिंग टू क्लासीफाई अदर सिमिलर प्लांट्स एज सब फैमिलीज। यानी कि कुछ ऐसे बोटेनिस्ट थे जो यानी कि जो प्लांट की स्टडी करते हैं, उन्होंने बताया कि 150 फैमिलीज़ जो हैं उनकी अलग अलग सब फैमिलीज़ भी होंगी, वाइल अदर रिकॉग्नाइज नियरली 500 प्लांट फैमिलीज़। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने 500 प्लांट फैमिलीज़ को फाइंड आउट किया, तो कुछ बोलते हैं 150 हैं, कुछ बोलते हैं 500। ए वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम इज़ दैट डिवाइस बाय द क्रोनक्विस्ट इन 1968। और सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ किया गया, एक्सेप्ट किया गया मेथड था वो था कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट ने दी थी ये 1968 में, विच इज़ ओनली स्लाइटली रिवाइज टुडे, जो कि आज मतलब कि बहुत ही कम रिवाइज किया गया। द नेम्स ऑफ द फैमिलीज एंड इज़ द AC, यानी फैमिली की जो नेमिंग है वो किससे एंड होगी, AC से, ओके, ACEAE। अब आते हैं फैमिली के बाद सब फैमिली। द फैमिली में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ द सब फैमिलीज। फैमिली को भी हमने सब फैमिलीज में डिवाइड कर दिया, विच ग्रुप टुगेदर प्लांट्स विद इन द फैमिली, यानी कि सब फैमिलीज क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और वो एक फैमिली के अंडर आएंगी, दैट हैव द सम सिग्निफिकेंट बोटेनिकल डिफरेंस, और इनके पास थोड़ा बहुत बोटेनिकल डिफरेंस हो सकता है। द नेम्स ऑफ द सब फैमिलीज एंड विद द OID, यानी कि सब फैमिलीज़ के जो नेमिंग है वो किससे एंड होगी, OID से। अब आता है ट्राइब। ट्राइब अ फर्दर डिवीज़न ऑफ द प्लांट्स विद इन अ फैमिली। अब फैमिली का भी ट्राइब भी क्या है, एक पार्ट डिवीज़न है किसका, फैमिली का, बेस्ड ऑन द स्मॉलर बोटेनिकल डिफरेंस। किसके बेस पे, इनके बोटेनिकल डिफरेंस थोड़े बहुत हैं, ओके। बिन स्टिल यूजुअली कंप्राइजिंग मैंने डिफरेंट प्लांट, और इसमें भी कई सारे डिफरेंट प्लांट कंप्राइज करते हैं। द नेम्स ऑफ द ट्राइब्स एंड इन EAE, और जो ट्राइब की नेमिंग है वो किससे एंड हो रही है, EAE से, ओके। उसके बाद है सब ट्राइब, द फर्दर डिवीज़न बेस्ड ऑन स्मॉलर बोटेनिकल डिफरेंस। अब सब ट्राइब भी, इसमें भी थोड़े बहुत बोटेनिकल डिफरेंस होंगे, उसके बेस पे हमने क्लासीफाई किया। ऑफन ओनली रिकॉग्नाइजेबल टू बोटेनिस्ट, जो कि बोटेनिस्ट ही क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये हम नॉर्मल इंसान रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि क्या डिफरेंस हैं उनके बीच में। द नेम्स ऑफ द सब ट्राइब्स एंड विद द INE, यानी कि इनकी नेमिंग की जो एंडिंग होगी वो INAE से होगी ना। उसके बाद आते हैं हमारे जीनस फैमिली। द प्लांट इज इन अ जीनस आर ऑफन ईजिली रिकॉग्नाइजेबल एज बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। अब उनके प्लांट्स के जीनस से भी हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्लांट किस ग्रुप का है। स्पीसीज, अब जीनस से भी नीचे आते हैं हम तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्पीसीज पे। दिस इज द लेवल दैट डिफाइंस एन इंडिविजुअल प्लांट, यानी कि स्पीसीज क्या है, एक इंडिविजुअल प्लांट के बारे में भी डिफाइन कर सकता है। ऑफन द नेम विल डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट ऑफ द प्लांट, और कई बार उनके नाम से ही पता चल जाएगा ये किस तरह का प्लांट है। द कलर ऑफ द फ्लावर्स, उसके साइज, फ्लावर कलर, उसके बाद सेब की लीव्स, ओके लीव्स की सेप, और इट मे बी नेम्ड आफ्टर द प्लेस वेयर इट इज वॉज फाउंड, और स्पेसिस में कई बार उसकी नेमिंग स्पेस पे भी होती है कि वो कहाँ से मिला है। टुगेदर द जीनस एंड द स्पीसीज नेम रेफर टू ओनली वन प्लांट, यानी कि जीनस और स्पीसीज दोनों नाम लिखे होंगे, दोनों किसके लिए होंगे, सेम प्लांट के लिए होंगे, ओके वन प्लांट। एंड दे आर यूज टू आइडेंटिफाई दैट पार्टिकुलर प्लांट, और ये एक पार्टिकुलर प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आफ्टर दिस स्पीसीज के बाद क्या आता है, वैरायटी। Variety, a variety is a plant that is only slightly different from the species plant, यानी कि variety कहाँ से आती है, जो अपने स्पीसीज प्लांट से थोड़ा सा वेरिएशन करें प्लांट, वो क्या है उसकी वैरायटी हो जाती है। जैसे हम कई सारे वैरायटी के फ्रूट्स खाते हैं, ओके हमने सुना भी है कि इस वैरायटी का फ्रूट्स यहाँ पे मिल रहा है, वो वाला फ्रूट्स वहाँ पे अच्छा है मिल रहा है, तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है, यानी थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस आने की वजह से वो एक वैरायटी में कैटेगराइज हो जाती हैं। But the difference are not so insignificant as the difference in from the Latin varieties, यानी कि लेकिन अगर हम varieties को देखें इनकी तो हमें ज़रा सा भी उनका ये नहीं लगेगा कि उसमें डिफरेंस है, हमें सेम सेम लगते हैं। जैसे कि हमारे ऑरेंज की भी कई सारी वैरायटी आती है और हम पता ही नहीं कर पाते कि ऑरेंज की ये वैरायटी कौन सी है। हम जितने भी ऑरेंज कलर के फ्रूट्स देखते हैं, मतलब ऑरेंज जैसा टेस्ट आता है, हम सबको बोल देते हैं ये ऑरेंज है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऑरेंज होते हैं, थोड़े खट्टे मीठे होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं, कुछ खट्टे ही रह जाते हैं। तो वो क्यों डिफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, वैरायटी हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लेकिन सेम स्पीसीज हैं, वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करती हैं। द लेटिन वैराइटीज़ विच यूजुअली एब्रीवेटेड टू वार, यानी कि वैराइटीज़ का मतलब क्या हो गया, वार। द नेम फॉलोज द जीनस एंड द स्पीसीज नेम, ये भी नेम कहाँ से फॉलो कर रहा है, जीनस और स्पीसीज से आता है, विद वार बिफोर द इंडिविजुअल वैरायटी नेम, यानी कि इंडिविजुअल वैरायटी नेम से पहले आता है। फोम, अब इसके बाद वैरायटी के बाद है हमारा फोम। ए फोम इज़ अ प्लांट विद इन अ स्पीसीज दैट हैज़ माइनर बॉटेनिकल डिफरेंस, ये फोम भी क्या है, स्पीसीज के अंडर में आता है, उससे नीचे आता है, जिसमें माइनर बॉटेनिकल डिफरेंस होते हैं, जैसे कि कलर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के कलर्स में, शेप ऑफ द लीव्स, लीव्स के शेप में। द नेम्स फॉलो द जीनस एंड स्पीसीज नेम विथ फोम और एफ बिफोर द इंडिविजुअल वैरायटी नेम, और ये फॉर्म को भी रिप्रेजेंट किया जाता है वैरायटी से पहले। ओके अब आते हैं कल्टीवार। कल्टीवार इज़ अ कल्टिवेटेड वैरायटी, कल्टीवार क्या है, कल्टिवेटेड वैरायटी है। ए पार्टिकुलर प्लांट दैट हैज़ अराइजन आइदर नेचुरली और थ्रू द डेलिबरेट हाइब्रिडाइजेशन, कैन बी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली और बाय शील्ड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द सेम प्लांट, यानी कल्टीवार में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ को हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ उसमें थोड़ी बहुत हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कर देते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। ओके बाय द प्रोसेस आइदर हम वेजिटेटिवली हाइब्रिडाइजेशन करें या फिर हम सीड के थ्रू करें। अब इसके मेरिट्स क्या है, मेरिट्स यानी एडवांटेज। एडवांटेज क्या है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की, द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज़ हेल्पफुल फॉर स्टडिंग द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, यानी कि जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं प्लांट्स की तो हमें ये पता चलता है कि प्लांट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, धीरे धीरे कैसे उसमें इवोल्यूशन आया। डिमेरिट्स क्या है, दिस सिस्टम ऑल्सो डजेंट कोरिलेट इन बिटवीन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग्स। इन टैक्सोनॉमिक स्टडी से हमें ये नहीं पता लग सकता कि उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है। क्योंकि हम जो भी हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि हम जो भी प्लांट देख रहे हैं, बुक में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता लग जाए उसके नाम से ही कि ये किस मेडिसिन के काम आ सकती है, ओके मतलब एज अ किस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके नेमिंग से ये चीज़ अगर पता चल जाती तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। टैक्सोनॉमी के बेस पर हमें यही समझ नहीं आ रहा कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उस ड्रग की क्या होगी, हमें कुछ अभी आइडिया नहीं लग रहा। अब आते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।